आमतौर पर किसी देश के सुप्रीम लीडर्स का आवास या दफ्तर वहाँ की सबसे सुरक्षित इमारतों में गिना जाता है, लेकिन दुनिया में एक बिल्डिंग ऐसी है जो इस श्रेणी में नहीं आती। इसके बाद भी उसकी सुरक्षा बहुत पक्की है, इतनी कि उसे दुनिया की सबसे सुरक्षित इमारतों में रखा जाता है। अमेरिका के केंटुकी में बने फोर्ट नॉक्स में दरअसल सरकारी सोने का बड़ा हिस्सा रखा हुआ है, ऐसे में इसकी सिक्योरिटी भी उतनी ही टाइट है। इसके चारों ओर कई सेफ्टी लेयर्स हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे शातिर या पहुंच वाला इंसान भी सेंध नहीं लगा सकता। फोर्ट नॉक्स वैसे कोई एक इमारत नहीं बल्कि केंटकी का एक मिलिट्री बेस है जो काफी लंबा चौड़ा है। यहाँ कैंपस के भीतर अलग अलग बिल्डिंग्स हैं जिसमें आर्मी वाले और उनके परिवार रहते हैं। ये वे लोग हैं जिन पर गोल्ड रिजर्व की सुरक्षा का जिम्मा है। यही एक इमारत के भीतर वो तिजोरी है जिसमें सोना रखा हुआ है। ये बिल्डिंग लगभग 16,000 क्यूबिक फीट ग्रेनाइट और 4,500 यार्ड कंक्रीट से बनी हुई है, जिसमें हजारों टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। फेडरल रिजर्व के मुताबिक इस बिल्डिंग में 147.3 मिलियन आउंस यानी 4600 मीट्रिक टन गोल्ड ब्रिक रखा है। इसे यूनाइटेड स्टेट बुलियन डिपॉजिटरी भी कहते हैं। बिल्डिंग में जिस जगह पर ये गोल्ड रखा है वो जगह ग्रेनाइट की मोटी दीवार से घिरी है। वहीं फोर्ट नॉक्स बिल्डिंग मल्टीपल अलार्म वाली फेसिंग से घिरी है जिसकी अपाचे हेलीकॉप्टर से निगरानी की जाती है। इसमें 22 टन के दरवाजे लगे हैं। स्टाफ के 10 अलग अलग लोगों के कॉम्बिनेशन कोड से इस दरवाजे को लॉक किया गया है। इन्हें अपने कोड के अलावा दूसरे स्टाफ मेंबर के कोड नहीं पता होते। अगर कोई इस बिल्डिंग के करीब भी जाने की कोशिश करता है जो उससे सुरक्षा के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर, टैंक्स, फेसिंग गार्ड, कंक्रीट लाइन वाली ग्रेनाइट की दीवार और चारों तरफ अलार्म उसे सफल नहीं होने देंगे। सोने का ये भंडार इतना सुरक्षित है कि उसे लेकर मुहावरे तक बन गए। हमारे के चुनाव से पहले कई लीडर ये कहते पाए गए कि इलेक्शन प्रोसेस फोर्ट नॉक्स की तरह मजबूत होना चाहिए। इसे बेहद मजबूत किले को लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी है। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी9 भारतवर्ष।